हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शिवास खान। दोस्तों आज आप देखें थंबनेल, वो सही है, घर से अकाल दी है। 1 week later तो दोस्तों बात ये है कि हर एक के लाइफ में परेशानियां आते हैं, लड़ाया झगड़े होते हैं, आजू बाजू वालों से, रिलेशन से, सब लोगों से लड़ाया होते रहते हैं, परेशानियां सब कुछ सबके लाइफों में है। मगर जब ऐसे टाइम पे अपन को याद आने का क्या बोलते हो, उन से थोड़ा दूर जाना, थोड़ा लाइक लोनली फील होना, सैड फील होना, ऐसा होते रहता लाइफ में। लाइफ है क्या, परेशानियों को झेल लेना पड़ता। अब क्या करते, लाइफ है, अब एंड नहीं कर सकते ना। तो बात ये है भाई, कुछ भी परेशानी है यानी तो सोच है, थोड़ा सैड फील हो रहा है, अलग सी लाइफ में कुछ है बोले तो, जब अपन उन लोग से दूर, जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं उन लोग से थोड़ा दूर आके वो परेशानी का हल सोचो। और मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ कि जब लाइफ में परेशानियाँ आते रहते हैं, जब क्या समझते, थोड़े लोग बोलते गलत गलत काम करने के लिए सोचते रहते हैं, वही परेशानी आती है कि वो परेशानी को आगे बढ़ के वो परेशानी को ख़त्म करना हुआ। मगर ऐसे लोग भी है वो परेशानी को ख़त्म करने जाके ऐसा होते रहता, बोले वैसा करना गलत है ना भाई। के लाइफ में ऊंचे निवान तो आते रहते, चलो भाई ऊंचा आ गया परेशान हो गए, निवान आ गया खुश हो गए, ऐसा नहीं रहता ना। दो भी बराबर करके देखना, दो भी बराबर करके चलना, वैसा करे तो जिंदगी बहुत अच्छी रहती। आज हम परेशानी से परेशान हो रहे, अल्लाह ताला आज ने तो भी कल अपन को परेशानी हल करके अपन को भी एक अच्छे दिन लाने वाला है। अपन ही कर लेना पड़ता भाई, अपन जो भी है अपन हिम्मत करके आगे बढ़ना और कुछ गलत ऐसा वैसा काम नहीं करना। तो जो मैं थंबनेल लगा है वो तो सही है, मगर वो थोड़े लोगों को सूट करता हो, वो सही नहीं है। लड़ाई नहीं कुछ भी नहीं, पैसे बाहर जा रहा था तो मैं सोचा चलो, यहाँ एक चमन है, चमन बोलते हैं यहाँ के लोगों को, सब लोगों को मालूम है, ये गार्डन बहुत अच्छा है। तो मैं सोचा चलो एक ब्लॉग तो बनता है ना, एक छोटा सा मैसेज, जो भी आजकल के बच्चे बड़े जो कुछ भी है परेशानी आ गई बोलो तो उसका हल नहीं ढूंढ के क्या कर रहे, गलत गलत काम को आजमा रहे, वैसा करना भी सही नहीं होता ना। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा मैसेज होता और ब्लॉग भी बनता ना बोल के मैं वीडियो निकालना हो रहा। तो दोस्तों ऐसी ही सपोर्ट करते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। आज रायपुर और आप भी एक चैनल में प्रमोट हुआ है, वो पहचाना तो वाले है मेरे, तो मैं बोला ठीक है करो बोल के बोला। तो उन लोगों का भी मैं प्रमोट करना है, इंशाल्लाह रायपुर और आपकी शूटिंग हुए तो मैं आपको उन लोगों का चैनल के बारे में भी लिंक और जो कुछ भी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मैं ये गार्डन दिखाऊंगा देखो जब तक। तो ये गार्डन में आने के लिए एंट्रेंस है, ये अच्छे अच्छे झाड़ा है, बड़े बड़े खोपरे के झाड़ा, खोपरे भी होके है यहाँ पे। से आए बाद में छोटा से मगर बहुत अच्छा बना है यहाँ पे, अच्छा पानी हुए मार के अच्छा नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन रखे। ये मस्जिद है, और यहाँ पे आए कुछ मीटिंग लगाने के लिए, कुछ बात आ रहे थे ना यूं जैसी बात करने के लिए पंचायत वगैरह वगैरह। तो अच्छा ग्रीनरी वगैरह अच्छा है, शाम के टाइम पे तो और अच्छा दिखता, बड़ा धूप मार रही ना तो पब्लिक कम है। ये क्या है बोलते जिम, ये जो भी आते गार्डन से जिम करते रहते हैं हम अब की तरह, उतना भी पैसे लगा के जाने वाले भी बहुत कम रहते ना, तो यहाँ को आ जाते बोले सा। ये गार्डन है बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा यहाँ को आके, और मैं यहीं ही रहता खरीफ खरीफ में, मगर कभी नहीं आता मैं इधर, बहुत कम। तो हो गया मेरा ब्लॉग,